इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जयसिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुल्तानपुर जिले में अनोखा धरना प्रदर्शन। आलू की माला और प्याज की पगड़ी पहनकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक अनूप संडा बोले, सरकार की आँख खोलने के लिए अपनाया विरोध का नया अंदाज। जीपीएफ और सीपीएफ घोटाले को लेकर सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, विरोध में किया कार्य बहिष्कार। सुल्तानपुर जिले की पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। कोतवाली नगर के इमलिया खुद गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा पति को मौत के घाट। प्रेमी की शादी तय होने पर पत्नी ने अपने ही सुहाग को मिटा डाला। सुल्तानपुर जिले में घर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, श्रम दिवस घोषित करने की मांग। समाज सेवी और मोटिवेटर प्रवीण सिंह ने अपनी मां गायत्री सिंह का अनोखा ढंग से मनाया जन्मदिन। सुल्तानपुर जिले के वृद्ध आश्रम में काटा केक, भजन कीर्तन कर लोगों को बांटे कपड़े। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ इलाके के तेराई गांव में चचेरे भाई ने किया भाई का खून। सुजीत सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की वारदात से फैली सनसनी। सुल्तानपुर जिले में लंबुआ का 3 दिवसीय मेला शुरू। महिलाओं और बच्चों में दिख रहा गजब का उत्साह। सुल्तानपुर जिले में अंकुरण फाउंडेशन ने शुरू किया कपड़ा वितरण। सफुल्लागंज में जरूरतमंद बच्चों को बांटे गए कपड़े। अमेठी डीएम अरुण कुमार ने आरटीओ कार्यालय परिसर में किया विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। 24 नवंबर तक चलेगा शिविर। अमेठी जिले में पहुंचे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक हनुमान सिंह हनुमत, प्रदेश महामंत्री राजकुमार गुप्ता, अध्यापकों से संपर्क कर संगठन की मजबूती के लिए छेड़ा अभियान। अमेठी जिले के पूरे लाला रानीगंज के पंडित केपी त्रिपाठी अस्पताल में सुरक्षित मातृत्व श्रेष्ठ भारत योजना के तहत लगाया गया चिकित्सा शिविर। महीने की हर 15 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच और इलाज। डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी ने बताया कि शिविर से मिलेगा ग्रामीण महिलाओं को लाभ। अमेठी जिले के शुक्ल बाजार इलाके में कस्तूरबा गांधी विद्यालय से कक्षा 6 की एक छात्रा के गायब होने से मचा हड़कंप। बीएससी और पुलिस महकमे में अफरा तफरी। छात्रा के परिजनों ने वार्डन पर लगाया बेटी को गायब करने का आरोप। अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना इलाके के रहमतगढ़ में एक किशोरी ने जीजा के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने का दर्ज कराया मुकदमा। साली की तय है शादी, जीजा पर रंग में भंग डालने का आरोप। प्रतापगढ़ जिले में नहीं रह गया खाकी और कानून का खौफ। जमीनी विवाद में असलहे से लैस दबंगों ने महिलाओं पर जमकर चलाए ईंट और पत्थर। पथराव करने वालों ने वीडियो बनाकर 2 दिन बाद किया वायरल। प्रतापगढ़ जिला बना अवैध शराब के कारोबार का अड्डा। आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्यवाही, लाखों रुपए की शराब बरामद, 3 कारोबारी हिरासत में। अयोध्या जिले में निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। दिनेन्द्र दास ने कहा, निर्मोही अखाड़ा ट्रस्ट में जल्द होगा शामिल। अयोध्या जिले में निर्मोही अखाड़ा में पंचों की बैठक। निर्मोही अखाड़ा के पंचों ने राम जन्मभूमि के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को शामिल करने को दी हरी झंडी। बाराबंकी जिले के इस्माइलपुर गांव में किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षाओं का लोकार्पण। मंत्री श्रीराम चौहान ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।